वेलकम टू जीके विद करंट अफेयर्स। आज है 12 जुलाई 2022। 12 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज इस व्यू में देखेंगे तथा हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे और प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 9 जुलाई 2022 को गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों का शुभारंभ किया। पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा किया करती है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। क्राइंच, अब कुछ पुस्तकें जो 2022 में लॉन्च की गई हैं उनका इस प्रकार, द क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने लिखा है, जबकि अनफील्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ब्लूमसरी रिचार्ड मिश्रा ने लिखा है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेट्टी ने, मिलेनियम योगी ए मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग बाइंस लाइफ दीपम चटर्जी ने, उड़ान एक मजदूर बच्चे की अनूप जलोटा जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बुइज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड्स एज डिजिटल नोमेड्स सावी और विद ने लिखी है, जबकि फेयरलेस गवर्नमेंस किरण वेदी ने, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वेंट नेशनलिस्ट चंद्रचूर घोष जी ने लिखी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 13 मिलियन नौकरियों के नुकसान के साथ देश का बेरोजगारी दर जून 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में हुआ है, तो 7.8। 13 मिलियन नौकरियों के नुकसान के साथ देश का बेरोजगारी दर जून 2022 से बढ़कर 7.8% हो गया है। सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में हुआ है। यह डेटा आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 13वें एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 13 में से 6 चालू हैं जबकि बाकी निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे जो बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ेगा। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। उत्तर प्रदेश एक नज़र में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि दोबारा अभी चुनकर आए हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या 75 और लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और राजकीय पशु 12 सिंगा है और राज्य पक्षी सारस क्रेन, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और बांध गोविंद वल्लभ पंत नगर पंत सागर बांध जो कि रेहंद नदी पर बना है। क्वेश्चन अगला। जुलाई 2022 में बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय राज्य अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 11 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किया। IS-4OM का अर्थ है इसरो सिस्टम फॉर एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है। T20 इतिहास में कौन 500 डॉट फेंकने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो जी हाँ जी, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सैमुअल बद्री ने 383 जबकि टिम सऊदी ने 368 और मिचेल स्टार्क ने 354 के साथ T20 में डॉट बॉल टैली में उनके पास व्यापक बढ़त है। नेक्स्ट,
उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त के रूप में आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह टी श्रीकांत की जगह लेंगे, यानी इससे पहले टी श्रीकांत जी थे। गुप्ता एक केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS अधिकारी हैं, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को 28 फरवरी 2023 तक उपचुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। अब बात करते हैं हाल में की गई नियुक्तियां। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 5 जुलाई से प्रभावी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की नियुक्ति की। RBI ने वेंकट नागेश्वर चलसानी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। सिंधु गंगाधरन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD सैप लैब्स इंडिया और हेड SAP यूजर्स इन्वेलमेंट को सीमेंस इंडिया बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा जुलाई 2022 में किस राज्य में शुरू हुई है? त्रिपुरा। सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा त्रिपुरा में जुलाई में 2022 में शुरू हुई थी। वार्षिक खारची पूजा और त्यौहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए है। त्यौहारों में 14 देवता शिव, दुर्ग, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि यानी जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री यानी हिमालय भी शामिल होती हैं। कौन सा राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गुजरात। गुजरात इतिहास में के समय में के लिए 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। यह आखिर बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेल व्यवधाएँ होंगी जो 6 शहरों में आयोजित की जाएंगी। अब गुजरात की एक नज़र जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जिले की संख्या कुल 31 है। क्वेश्चन नंबर 9। जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का शुभारंभ कौन करेगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का शुभारंभ किया। इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस आयोजन के दौरान 75 नवविकसित AI उत्पादों और प्रौद्योगिकियों रक्षा में अनुप्रयोगों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उनका नाम नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किर्गोस पर 4 सेट की जीत के साथ अपना अब तक का 7वां विंबलडन पुरस्कार खिताब जीता और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जोकोविच अब राफेल नडाल के बाद सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी सूची में रोजर फेडरर 20 खिताब के साथ तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आम लोगों के बीच बढ़ती जनसंख्या के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्नेंस काउंसिल द्वारा की गई थी। 2022 की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेसिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, ऑर्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चेंजेस फॉर ऑल है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस या विश्व खेल पत्रकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो जाह्नवी डांगती आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जाह्नवी डांगती पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। यह कार्यक्रम के लिए दुनिया भर में चुने गए 6 व्यक्तियों में से एक थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन को पछाड़ देगा 2023। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन को पछाड़ देगा। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंगम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? तो ज्योति सुरेखा बैडनम और अभिषेक वर्मा ने जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंगम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने मेक्सिको के मिगुएला बेसेरा और एंड्रिया बेसेरा को 157, 156 से हराकर कंपाउंड मिक्स डबल स्पर्धा में पदक जीता। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचाने के लिए मिशन वात्सल्य के एक आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला मोबाइल टेलीमैक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेलीमैक्स पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी। जर्मनी हाल ही में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर। दोस्तों, 2 दिन हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ हमारी तबीयत भी खराब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सके दोस्तों, उसके लिए सॉरी। और हम उसके क्वेश्चंस के आंसर की PDF हम आपको दे देंगे और आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान के केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी। क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से बने हैं? तो इसका सही जवाब है गुजरात। वैसे सबसे छोटे राज्यों में बनने वाले मेघालय। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सलिसेन रेनमार्क। अब क्वेश्चन आपके लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 2, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
क्वेश्चन नंबर 3, अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जीके, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जीके विद करंट अफेयर्स ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। सो थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद, जय।